नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से एक नया 10 मिनट शो आपके लिए ला चुके हैं। इस 10 मिनट शो में हम लोग आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जी हाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिनसे आपका प्रश्न जरूर आता है। तो ये 10 मिनट शो जो आज का है, उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड आपके भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रमुख संविधान की अनुसूचियां। लिखा है संविधान की प्रमुख अनुसूचियों में, नोट लिखा आप लोगों के लिए कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ठीक, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप बताइएगा 8, और इस समय कितने हैं तो 12। अनुसूची नंबर 1 क्या कहती है, इसके अंतर्गत केंद्र शासित राज्य तथा भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में भारत में कुल राज्यों की संख्या 36 है। 36 के हिसाब से 28 प्लस 7 वाला जो कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से इसमें 35 होने चाहिए। आपका जो 36 है, ये जो दादर नगर हवेली का जो एरिया है, दादर नगर हवेली, उस वो भी इसमें अभी ऐड किया गया है। चीज आप ध्यान रखिएगा, दादर हवेली और दमन दीव को साथ में रखा गया है। ठीक, तो यूटी और प्लस आपके स्टेट, इसमें दोनों 36 में आपको कंसिडर किए गए हैं। तो पहली जो अनुसूची है वो राज्य क्षेत्र से संबंधित है, केंद्र राज्य क्षेत्र से। आगे बढ़ाते हैं, अगली अनुसूची आती है अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सांसद, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैग यानी कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी यानी संघ लेवा स्वयं के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि के वेतन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो पूछा जाए कि जितने भी आपके सेंट्रल के कर्मचारी हैं, या बोला जाए केंद्र के जितने भी आपके लोग हैं, इनका वेतन किस अनुसूची में दिया गया है, तो आप बताइएगा कि इनका दिया गया है अनुसूची नंबर 2 में। आगे बात करते हैं अनुसूची नंबर 3। तो अनुसूची नंबर 3 में प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, यूपीएससी अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सांसद तथा पद के ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ, ये जी धन्यवाद, शपथ का प्रावधान किया गया है। किसमें? तो शपथ का प्रावधान फ्रेंड किया गया है अनुसूची नंबर 3 में। अब ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता था कि प्रेसिडेंट आपका हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और आपके गवर्नर हो गए, इनको अनुसूची नंबर 3 में शपथ में शामिल नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं अगर हमारी अनुसूची नंबर 4 की, तो अनुसूची नंबर 4 में क्या आता है, इसके अंतर्गत राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। तो पूछा जाए कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें है, तो आप कहेंगे सर अनुसूची नंबर 4 में है। आगे बढ़ाते हैं, तो आगे में आता है अनुसूची नंबर 5। इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों यानी SC तथा अनुसूचित जनजाति यानी ST के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं आपके अनुसूची नंबर 5 में। आगे आता है अनुसूची नंबर 6, जिसमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय यानी AMMT, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स के शासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी इनको, इनमें जो रहने वाली जनजाति है, उसको विशेष रूप से आपके 6 नंबर की अनुसूची में भागित किया गया है। सातवीं अनुसूची फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूचियों में से गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है शक्तियों की। इसके अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले आती है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार संसद को प्राप्त है। वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषय है। चीज ध्यान रखिएगा, कितने विषय है फ्रेंड, तो टोटल 100 विषय सब्जेक्ट है, किसमें, आपके यूनियन लिस्ट में, जैसे कि रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, आयकर, जनगणना, नागरिकता, सेना, UPSC, एक्साइज टैक्स, SSC, आयात निर्यात शुल्क आदि। आगे बात करें, इसी में आती है राज्य सूची, दूसरी सूची जो है जिसका नाम फ्रेंड स्टेट लिस्ट। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है और इसमें कुल 61 विषय है। कितने विषय है फ्रेंड, 61, जबकि यूनियन जो लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट में 100 विषय थे, जबकि जो आपकी स्टेट लिस्ट है
स्टेट लिस्ट में फ्रेंड आपके 61 विषय हैं, जिसमें पुलिस हो गया, कारावास हो गया, कृषि हो गया, साफ सफाई, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायत, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि ये किसमें आते हैं, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। आगे आती है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर दोनों आपके क्या बनाते हैं, दोनों आपके नियम बनाते हैं। इसमें टोटल 52 कितने आते हैं फ्रेंड, 52 आपके जो समवर्ती सूची है उसमें विषय शामिल है। इस सूची में जैसे परिवार हो गया, परिवार नियोजन, पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण, नाप तौल, पूर्ण शिक्षा, विकलांग शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, कारखाना, बिजली, भारतीय दंड संहिता, आपके आईपीसी, विवाह विच्छेद, तलाक, वसीयत नामा, दंतक पुत्र आदियों के विषयों को शामिल किया गया है आपके समवर्ती सूची में। तो सातवीं सूची में आपके तीन भाग थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट, 100 विषय, 61 विषय और आपके 52 विषय। आगे आते हैं अनुसूची नंबर आठ में, इसके अंतर्गत संविधान की 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में इन अनुसूचियों में निम्नलिखित भाषाएं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, हमारी 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें अगर ध्यान रखिएगा कौन सी भाषा आपकी, दो कहीं पर दिए सिंधी एक ध्यान रखिएगा और आपकी नेपाली लिखी हुई, जी हाँ ये सिंधी और नेपाली, इन दोनों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछी जाती है सिंधी और नेपाली। आगे बढ़ाते हैं सूची नंबर 9 में आता है, इसके अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया गया है जो वाद योग्य यानी नॉन जस्टिकेबल नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 285 अधिनियम है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण कानून, जमींदार उन्मूलन, चकबंदी कानून। वर्तमान में मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर नवी अनुसूची की समीक्षा की जा सकती है। आगे बात करें अनुसूची नंबर 10 में, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इस को संविधान में जोड़ा गया और यह अनुसूची दल बदल कानून राजीव गांधी की सरकार के समय आया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा दल बदल कानून 1985 में, जो कि आपका अनुसूची नंबर 10 में वर्णित है। आगे आती है अनुसूची नंबर 11, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेट के एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा पेट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची नंबर 11। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और यह अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत का 29 विषयों का विषय प्रदान किया गया है जिस पर वह कानून बना सकती है। उस समय प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, यानी पी नरसिम्हा राव जो जी थे वो उस समय जब आपका पंचायत वाला लागू हुआ था उस समय के आपके प्राइम मिनिस्टर थे, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं अनुसूची नंबर 12 में, तो अनुसूची नंबर 12 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है और इसमें नगर पालिका जो शहरों से संबंधित नगर पालिका होती है उसकी चर्चा की गई है और नगर पालिका में कुछ 18 विषय, जबकि ग्राम पंचायत यानी जो आपकी पंचायत है पंचायत में कुल विषय है फ्रेंड 29, जबकि आपका नगर पालिका में कुल विषय है फ्रेंड आपके 18, ठीक है। उस समय भी नरसिम्हा राव और शंकर दयाल शर्मा आपके क्या थे, राष्ट्रपति जी थे। अब बात हो गई इन अनुसूचियों को, लेकिन इन अनुसूचियों को याद करने की एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन अनुसूचियों को बहुत ही आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। तो मैं इस ट्रिक को यहां पे लिखूंगा, थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा। लिखा है एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, क्या नाम है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख भूमि अधिग्रहण और दल बदलना भूल गए। बाद में आपकी दो ऐड कर लीजिएगा, 11 नंबर में आपकी ग्राम पंचायत हो जाएगा, ठीक है, और 12 नंबर में फ्रेंड हो जाएगा आपका नगर पालिका, ठीक। एसपी की शपथ ले गए यानी संघ राज्य क्षेत्र, इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र अनुसूची नंबर 1। पी फॉर पैसा, पैसा मतलब वेतन, वेतन की बात किसमें की गई है, अनुसूची नंबर 2। सभी लोगों की शपथ की बात किसमें की गई है, अनुसूची नंबर 4। राज्यसभा की प्रतिनिधि अनुसूची नंबर 5। आपकी अनुसूचित क्षेत्र अनुसूची 5, ठीक। जनजाति क्षेत्र आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है।
शक्ति यानी संवर्ती सूची, यूनियन आपकी संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, भाषा भूमि अधिग्रहण 9 में, दल बदल 10 में, ग्राम 11 में और नगर 12 में। एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख भूमि अधिग्रहण से दल बदलना भूल गए। 11 में ग्राम है, 12 में नगर है, यहां पे आपकी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।